था। बोल बजाएंगे बलि महाराज की। आयोजक समिति वाला भैया वाला मंच में उच्च सिंहासन में बैठे निर्णायक गुरु जी मल्ला सुखर कर गुप्त भाग के भैया उद्घोषण पहनी ला ये माता के चिराग जल धरन मंडली राम बेलर के हल्ले झारा झारा प्रणाम है स्वीकार कर हूँ और राई दला हो मोर बहनी हो मोर दाई हो तुमन कहा तो हो माता के चिराग जल भर मंडली बेलर कथे दे बने बने वाही बने बने वाही और नाम नाम बोलना बोलना ही पर कुछ नहीं है दाई सुखा तरिया धमरवा बगरा ये खड़ी धान तो ये कैस का ठगवा दे मोर महतारी हो ना तो मोर जगह अकल है ना सकल है ना राग है ना अनुराग है ना कला है ना गला है मैं तो बेलर गांव के मतासी माटी हूँ मुर्दाई हो ये माता रानी के प्रसाद के खवैया नान चुन करिया चाची हूँ मोर बहनी हो तुम्हारे पहले मोर के साथी हूँ नहीं कमल के खेलैया गुल्ली भरा माटी हूँ मैं तो बेलर गांव के मतासी माटी हूँ मैं तो बेलर गांव के मतासी माटी हूँ मोरदाई हो अभी हम जो कथा सुनाए बन जात हैं वो माँ धुआंवती के कथाए एक समय के बाद मोर महतारी हो जब भगवान भोलेनाथ गिरि कैलाश पर्वत में ध्यान मग्न रही उसी समय माँ पार्वती ला कुंजनी का दुख का कष्ट का विपत्ति आई जिला जाके भगवान भोलेनाथ जगन वाला बताई पर ध्यान में लीन भगवान भोलेनाथ
ओकर दुख पिया नहीं सह सके भाई। अत्याधिक क्रोधित हो गए मां पार्वती, अपन सुहाग के चिंता नहीं करी, ध्यान में मन लगाई खड़ा है भगवान भोलेनाथ, सौख उठा के ले ली मोर महतारी हो और विधवा के रूप धारण कर ली। उन्हीं दिन में माता के नाम धूमावती पड़ी, उन्हीं कथा ला ए अबोध लिखा मैं आप मन के बीच परोसे बन जात है। अगर ये कथा में गायन में वादन में कोरस में कोनो भी प्रकार के गलती होली तो यह बहुत लड़का मल्ला अपन कोर के खिलैया बेटा समझ के क्षमा करो क्षमा करो। बल सावैया की जय। धन धन भाई भुइया में दाई कति को शहर नगर है वो धर्मी अधर्मी करे पसेरा सबो के बुझल बसल थे वो आवे परमानी देव धामी के दाई सबो लाइहा खबर है नहीं माने जे मूरख तोरा दाई वो घर जिंदगी अधर है वो कर जिंदगी अधर है वो। बोल सा मैया की जय। तै विधवा कहा है वो दाई सदा सुहागिनी नारी वो तै विधवा कहाए होवा तै विधवा कहाए वो दाई सदा सुहागिनी नारी वो तै विधवा कहाए होवा। Yeah.